आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है डियर, आप एक बार मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेज दीजिए, देन आई विल ऐड यू इन माय व्हाट्सएप ग्रुप. ओके, थैंक यू सो मच अर्चना जी वीडियो शेयर करने के लिए. अर्पिता जी हेलो, हेलो अर्चना जी प्लीज वीडियो भी शेयर कीजिएगा, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, वीडियोस भी शेयर कीजिएगा. देखिए आई एम यूजिंग फेविकॉल एमआर, आप अपनी चॉइस से लोकल फेविकॉल भी यूज कर सकते हैं. यू कैन यूज लोकल फेविकॉल बाय योर चॉइस, बाय एरिया अवेलेबिलिटी, बट आई प्रेफर टू यूज दिस वन. ओके, हेलो रमा जी, हेलो श्रेया जी, प्लीज वीडियो को भी शेयर करते रहिए, कीप शेयरिंग कीप शेयरिंग. ओके, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी, कीप शेयरिंग. राधे राधे जी, आई एम गुड. यहाँ पे नंबर डाल देना. हेलो सारिका जी, थैंक यू सो मच शेयर करने के लिए, कीप शेयरिंग कीप शेयरिंग. आई एम नॉट एडिंग वॉटर, मैं पानी बिल्कुल नहीं डाल रही हूँ, आई एम जस्ट एडिंग फेविकॉल. एक्चुअली ठंड बहुत है तो फेविकॉल भी बहुत थिक्की थिक्की सा हो गया है, वो निकल नहीं पा रहा है. अब आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हमारी कंसिस्टेंसी क्या है. आई पिन माई नंबर, तो आप लोग मुझे इस पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जिसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है. आई एम यूजिंग चॉक पाउडर, मैं चॉक पाउडर यूज कर रही हूँ बिकॉज मेरे पास वो काफी सारा है. तो आप अपनी चॉइस से कोई भी पाउडर यूज कर सकते हैं, मार्बल पाउडर भी ले सकते हैं, पुट्टी पाउडर भी ले सकते हैं, चॉक पाउडर भी ले सकते हैं, सिरेमिक भी ले सकते हैं, ठीक है, पीओपी भी ले सकते हैं. ओके, नेम प्लेट्स जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए आप पीओपी भी यूज कर सकते हो. थैंक यू सो मच अल्विना जी फॉर शेयरिंग वीडियो. हेलो सरिता जी, ठीक है ना, अभी दोबारा से किसी का कोई कंफ्यूजन ना हो प्लीज, एक बार फिर से अगर किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए, बट कोई भी बाद में कंफ्यूज ना हो. नेम प्लेट जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए यू कैन यूज पीओपी ऑल्सो. और फेविकॉल भी आप कोई सा यूज कर सकते हो, इवन यू कैन यूज एनी लोकल ब्रांड फेविकॉल, जो आपको सही लगे यू कैन यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, अच्छे से इसका पेस्ट बनाइए मिक्स करके. मैं दो नेम प्लेट सिखाने वाली हूं, एक किड्स के अकॉर्डिंगली और एक थोड़ा बड़ा जो हम अपने घर के बाहर लगाते हैं वो. क्ले आज नहीं करेंगे, आज हम टेक्सचर कर रहे हैं, क्ले हम कल करेंगे, ठीक है ना. थैंक यू डियर शेयर करने के लिए. आपके पीछे जो गणेश जी है, कौन से गणेश जी कह रहे हैं आप, ये बड़े वाले, ये क्ले म्यूरल है डियर, ये क्ले म्यूरल है, इट्स नॉट अ रिलीफ आर्ट, ये क्ले म्यूरल है. परी हेलो जयश्री जी, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग डियर, प्लीज आप सब लोग शेयर कीजिए. ये क्ले म्यूरल है, इसे ये 3D क्ले म्यूरल है, इट्स नॉट अ रिलीफ आर्ट, है ना, पूरा 3D है ये. हेलो कविता जी, हेलो संभवी जी, कैसे हैं आप लोग. देखिए बिल्कुल थोड़ा थोड़ा डाल के मिक्स करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा भी नहीं पतला करना ना हमें, अगर हमने एकदम से एक साथ डाल दिया तो वो बहुत पतला हो जाएगा, और हमें पतला नहीं चाहिए, हमें थिक ही चाहिए. नेम प्लेट आप अपनी चॉइस से कैसी भी ले सकते हैं. हेलो मानसी जी, नेम प्लेट का डिजाइन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है,
अभी जरा मैं ये मिक्स कर लूं, देन फिर मैं आप लोगों के साथ फिर से शेयर करती हूँ। अच्छे से बीट कीजिएगा आप इसको। थैंक यू सो मच डियर। बस शेयरिंग रखिए अच्छी, अगर आप शेयर करेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को मैं सब कुछ बताऊंगी। और वो क्लिप बहुत अच्छा है जिससे हम किड्स की नेम प्लेट बनाएंगे, सारे एनिमल्स बनानी बताऊंगी, कैसे एनिमल्स बनाते हैं, ट्री गेट फेयरी गेट जो होता है वो कैसे बनाते हैं, हर एक चीज बताऊंगी। बट प्लीज कीप शेयरिंग द वीडियो। हेलो निकिता जी, हेलो प्रीति जी, ठीक है ना, बस कीप शेयरिंग द वीडियो। ये देखिए, ठीक है, इस तरह से मेरा ये टेक्सचर तैयार हो गया। चलिए अब मैं अपना एक बोर्ड यहां पर रख रही हूं। सबसे पहले एक मिनट कपड़ा बिछा लेते हैं ताकि मेरा टेबल भी खराब ना हो। दिस इज द फर्स्ट डिजाइन विच वी आर डूइंग। All well dear, enjoy to watch. Thank you so much. Thank you. Please share the video also. ये मेरे पास ना एक क्या बोलू इसे, ये जिसमें आटा नहीं आता, आटे का जो बैग होता है इस तरह का, ये मेरे पास एक फैब्रिक है, ठीक है, तो इसको मैं यहां स्टिक करूंगी। ओके और इसके ऊपर फिर हम क्ले का वर्क करेंगे। यहां हम ओम या गणेश जी बनाएंगे, पर जब हमारा ये सब सूख जाएगा। आज मैं आप लोगों को फाइनल डिजाइन शेयर करूंगी जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, ठीक है, और जो नहीं है वो प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको ड्राइंग प्रॉपर मिल जाए। आज टेक्सचर के बाद जैसे ही मेरा ये टेक्सचर सूख जाएगा मैं ड्राइंग शेयर कर दूंगी ताकि आप लोग भी अपनी ड्राइंग के साथ प्रिपेयर रहे। थैंक यू, हेलो पापिया जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। इस पे हम जब काम करेंगे ना और कलर करेंगे तो इफेक्ट बहुत सुंदर आएगा, आप देखिएगा। इसको अच्छे से सेट कर दीजिए, बिल्कुल इवनली ये फिक्स हो जाए, ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगता है सेट होने में बट ये बहुत इवनली फिक्स हो जाएगा। ओके यहां पर हमने इसको फिक्स कर दिया। अब हमें क्या करना है, बिल्कुल आराम से अपना ये जो टेक्सचर है इसको इस पे स्प्रेड करना है ताकि जो इसके एजेस हैं वो अच्छे से कवर अप हो जाए। इस तरह की शीट से ना बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। बस एजेस को अच्छे से दबा दीजिए। ठीक, चलिए अब इस वाले पार्ट पे हमें वर्क करना है। टेक्सचर जब हम लगाते हैं तो प्लीज ध्यान रखिए कि एजेस हमारे अच्छे कवर हों। अगर हमारे एजेस अच्छे कवर नहीं होंगे तो फिर हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। ओके परी नहीं चल रहा है। नाइफ ले लीजिए कोई भी। ये क्या है, ये नेम प्लेट है।
हाँ प्लास्टिक का गुन्नी बैग, एग्जैक्टली. हम नेम प्लेट बना रहे हैं और ये मैं आपको आज टेक्सचर करना बता रही हूं. सबसे पहले आप बस अपना टेक्सचर पेस्ट इवनली अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए. और देखिए, अगर आपको आपकी नेम प्लेट एकदम फिनिशिंग के साथ चाहिए तो आपका टेक्सचर बहुत इवन स्प्रेड होना चाहिए. अगर आप अच्छा काम करेंगे डेफिनेटली आपका हर एक चीज सेल आउट होगा, बट उसके लिए कोशिश ये कीजिए कि आपका वर्क इवन होना चाहिए, है ना. ये देखिए, इस तरह से मैं अभी आपको पास से दिखाती हूँ, सारे पार्ट इवनली फिल होने चाहिए, कहीं पर भी टेक्सचर मिसिंग नहीं रहना चाहिए. टेक्सचर बाद में क्रिएट करेंगे, पहले इसकी स्प्रेडिंग करेंगे. और अगर आपकी स्प्रेडिंग अच्छी है तो आपका टेक्सचर भी ऑटोमेटिकली अच्छा ही आएगा. इसके बाद मैं आपको दो तीन तरह के डिजाइन बताऊंगी टेक्सचर क्रिएट करने के. आपको जो पसंद आए आप वो डिजाइन अपनी नेम प्लेट में यूज कर सकते हैं. कोई नाइफ या स्केल कुछ भी आप यूज कर सकते हो टेक्सचर को स्प्रेड करने के लिए, बट मेक श्योर हाथ का यूज ना करें, बिकॉज बारीक बारीक सा रेशा होता है वुड का, वो आपके हाथों में चुभ जाएगा और यू कैन हर्ट, मतलब आपको दर्द भी होगा और ब्लीडिंग भी हो जाती है. तो ऑलवेज यूज एनी नाइफ, स्पैचुला और एनी स्केल, कुछ भी आप यूज कर सकते हो बट हाथ का यूज बिल्कुल नहीं. कैनवस पे कीजिए आप अपने हाथों का यूज टेक्सचर पेस्ट लगाने के लिए, बट फॉर वुडन सरफेस नेवर. दैट थिंग्स यू हैव टू रिमेम्बर, क्योंकि अगर हम इस तरह का ध्यान रखेंगे तो हमें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये देखिए, ठीक है. मैंने नेम प्लेट का डिजाइन का पिक भी शेयर किया था, काफी दो तीन बार शेयर किया था. देखिए इस तरह से, है ना. ओके, अब इस पे आप कैसे डिजाइनिंग कर सकते हैं वो देखिए. आप इस तरह से इस पे टेक्सचर दे सकते हैं, बट फिर एक ही तरीके से आना चाहिए आपका टेक्सचर, ठीक है. इस तरह से बहुत प्यारा कलरिंग इफेक्ट आता है जब हम इस तरह से टेक्सचर पे कलर करते हैं, ठीक है. बहुत सुंदर. बाकी टेक्सचर के लिए आप मेरे वीडियोस भी चेक कीजिएगा. पिछले वीडियो मैंने 25 से 30 टाइप्स ऑफ टेक्सचर सिखाया है, ठीक है. एक डिजाइन ये हो गया. उसके बाद आप क्या कर सकते हो, आपके पास कॉम है, आप कॉम से सर्कल्स बना सकते हैं, ठीक है. ओके, एक डिजाइन आप ये कर सकते हो. मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी, ठीक है ना. साइज वगैरह सब कुछ मैंने इसका प्रॉपर बताया था, हर एक चीज, तो मैं दोबारा से शेयर कर दूंगी. एक डिजाइन आप ये बना सकते हैं, ओके. और अगर आपको ये भी नहीं करना है,
दो डिजाइन मैंने आपको बताए, और सपोज अगर आपको ये भी नहीं करना है देन सिंपली आप एक ट्री ट्रंक का स्टाइल भी दे सकते हो अपने बोट को। मैं वो ट्री ट्रंक का डिजाइन भी बताती हूँ बनाना। कोई भी ब्रश ले लीजिए, ब्रश की बैक से इस तरह से यू कैन मेक डिजाइन, है ना। ये डिजाइन भी बहुत सुंदर लगेगा। हमें यहाँ पर बहुत सारा वर्क करना है, तो इधर का बैकग्राउंड का डिजाइन थोड़ा सा सिंपल भी रखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके ऊपर मैं आपको पूरा वर्क करवाने वाली हूं, तो ये इतना दिखेगा भी नहीं। इसलिए इस पर हम इस तरह से ऐसा डिजाइन भी बना सकते हैं। हमें यहाँ पर ज्यादा प्रॉब्लमेटिक डिजाइन नहीं बनाना, बिकॉज वी हैव टू डू लॉट्स ऑफ कॉयल वर्क हेयर। तो आप ऐसा डिजाइन भी बना सकते हैं। ओके, तो मैंने अभी आप लोगों को 5 तरह का डिजाइन बताया, आपको जो पसंद आए आप वो बना लीजिए। मैंने यहाँ पर ये डिजाइन कर दिया है बिकॉज मुझे यहाँ बहुत ज्यादा डिजाइनिंग नहीं चाहिए। आई एम गोइंग टू मेक लॉट्स ऑफ क्ले वर्क हेयर, तो यहाँ बैकग्राउंड इतना नहीं दिखेगा, इसलिए मैंने सिर्फ इस तरह से डिजाइन बना दिया। ठीक है, समझ नहीं आया मुझे आपने क्या कहा। प्लीज शेयर द वीडियो ऑल्सो, प्लीज 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 भूल मत जाइएगा वीडियो को शेयर करना। असल डिजाइन इसका अब निकल कर आएगा जब मैं आपको इस पे कल वर्क करवाऊंगी, है ना। इसमें हम बहुत सारा क्ले वर्क करने वाले हैं, तो वो क्ले वर्क ही इसका रियल डिजाइन है। तो ये तो हमने जस्ट बेस बनाया, जिस बेस के ऊपर हम अपना क्ले वर्क करेंगे। एक्चुअली ये बेस करना इसलिए भी जरूरी होता है बिकॉज हम नेल्स वगैरह लगाते हैं ना इसमें जॉइंट करने के लिए, तो वो नेल्स सब अच्छे से मजबूती से चिपक जाए, इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है टेक्सचर पेस्ट करना। तो टेक्सचर पेस्ट आप कोई भी कर सकते हैं, स्टाइल आप कोई भी ले सकते हैं। अब इसके बाद मैं आपको दूसरा वाला नेम प्लेट का डिजाइन बताऊंगी। एक बार इसको कंप्लीट कर ले और इसको साइड में रख देते हैं, देन फिर हम दूसरे वाले पे काम करेंगे। आप कैसा भी डिजाइन बनाइए डजेंट मैटर, बस आपका डिजाइन एकदम नीट होना चाहिए, कहीं पर भी अनइवन नहीं आना चाहिए। वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा बिकॉज वीडियो शेयरिंग इज मस्ट, है ना। अब हमें क्या करना है, जो साइड्स में अनइवन आ गया ना, इधर की साइड, यहां इसको हाथ के हाथ क्लीन कर दीजिए, नहीं तो ये बाद में आपकी नेम प्लेट का लुक बिगाड़ देगा। अब यहां मैं सर्कल्स बना रही हूं, ठीक है। इसके ऊपर मुझे कैप्शंस लिखना है, नाम लिखना है,
तो मेरा टेक्सचर इवन होना चाहिए। अगर टेक्सचर अनइवन होगा तो राइटिंग करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए जहां पर आपको राइटिंग करनी है वहां आपका टेक्सचर बिल्कुल इवन आना चाहिए, एकदम स्मूथ। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा ये टेक्सचर वाला एक पार्ट खत्म हो गया।